आप देख सकते हो इनको कितनी भूख लगी थी कि इन्होंने थोड़ी सी लेट आए हाँ। देखो भूख के मारे सभी के सभी रिकवर कर गया। आप इसके पुरानी पिक्चर पुरानी फोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतनी बुरी हालत में इनको मिला था। दो रेस्क्यू की थी फिर वो उनके बच्चे हो गए। अच्छा तो वो भी सारे रहे इधर ही। देखो किसी ने अडॉप्ट नहीं किए, किसी ने अडॉप्ट नहीं किए और मैं इनको छोड़ नहीं सकती थी तो न्यूट्रल करवा के मैंने रखे हुए। अभी आपस कितने मंकीज होंगे ऑलमोस्ट ही कुछ आईडिया है? 2-3 हज़ार तो आराम से होंगे, बहुत ज्यादा मंकीज हैं। इनके ग्रुप्स हैं अलग अलग ग्रुप। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा खास है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरियाणा में एक बहुत ज्यादा प्यारा शहर करनाल में। तो करनाल में जो है रहते हैं हमारे दी जिनका नाम है दलजीत सर और उनको आप सभी जानते हैं वॉइस फॉर वॉइसलेस के नाम से। और यहाँ पर ये एक ऐसी लेडी हैं जो ऑलमोस्ट लगा लीजिए रोज़ के 500-600 बंदर मॉन्कीज 500-600 मॉन्कीज को डेली फीड करती है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। वो कैसे सब करती है वो अभी हम इनसे मिलेंगे। आप सभी इस व्लॉग में बने रहे और इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आज इसमें कवर होने वाली है। तो अभी हम चलते हैं, पीछे दी का घर है, आइए। मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं करनाल में रहती हूँ। मोस्टली लोग मुझे वॉइस फॉर वॉइसलेस 13-13 के नाम से जानते हैं। मैं उन बच्चों की मदद करती हूँ जो बेचारे सड़कों पर पड़े होते हैं। एक्चुअली 2014 में मेरा ब्रदर एक डॉग लेके आया था अपने फ्रेंड के घर से सेंट बर्नार्ड, तो पहला डॉग मेरे घर का वो था। सो उसके बाद एक डॉग आया, किसी ने दे दिया। जब वो बच्चे मेरे घर में आए तो मुझे फील हुआ कि जैसे ये बच्चे हैं वैसे ही बेचारे सड़कों पर रहने वाले बच्चे होते हैं। बस 2014 से ये जर्नी शुरू हुई और 2016-17 में मेरे को कोई बच्चा दिखता मैं रेस्क्यू करके ले आती, लेकिन उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद समझो कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो अभी मेरे घर में 40 डॉग्स हैं, एक एक करके मैं आपको सबकी स्टोरी भी बताऊंगी इनकी। हेलो दी, कैसे हैं आप? मस्त जी, बढ़िया, आप बताओ। बहुत टाइम के बाद आज दी से मुलाकात हुई है। वैसे मैं दी को तंग तो करता रहता हूँ बीच बीच में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बट आज मैंने स्पेशली तंग किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इतने सारे डॉग्स या इतने सारे मॉन्कीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि फीड किया जाता है रेगुलरली, तो दिन को क्या क्या हम देते हैं खाने में? देखो गुरुद्वारे से प्रसादे आते हैं निर्मल कुटिया से, तो डेली लंगर के प्रसादे उनके लिए जाते हैं। कभी कभी फ्रूट्स जाते हैं क्योंकि अभी क्या कुछ लोग अवेयर हैं, बड़े गांव जंगल में फ्रूट्स लेके चले जाते हैं। हाँ। तो फ्रूट्स हम कभी कभी लेके जाते हैं। ये डॉग्स के लिए राइस बनते हैं, इसमें हम प्रसादे ऐड ऑन करते हैं, घर वाले बच्चों को देते हैं। तो प्रसादा मतलब चपाती जो गुरुद्वारे में बनती है। एक्चुअली पता क्या, निर्मल कुटिया जो गुरुद्वारा करनाल में, वहाँ से हमें काफी सपोर्ट है। शुरू शुरू में जब उन्होंने हमारी सेवा देखी कि हम इतने बेजुबानों का पेट भर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आपको जितने भी प्रसादे चाहिए होती हैं हमारे से लिया करो। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर डॉग फीड है। बाकी अगर दी किसी भी व्यूअर ने कोई इस वीडियो के बाद डॉग फीड या कुछ ऐसा भिजवाना चाहता है डॉग्स के लिए, तो वो भिजवा सकता है? एग्जैक्टली मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी वे में हमारी मदद करना चाहते हो तो आप बच्चों के लिए खाना भेज सकते हो, क्योंकि जैसे घर में 40 डॉग्स हैं, 3 बार खाते हैं, मेरे पूरे मोहल्ले में 40 वो हैं, उनको भी हम फीड करते हैं डेली। इसके अलावा मतलब डेली 100 डॉग्स फीड होते हैं, 300-400 पिछले 3 साल से, क्योंकि लॉकडाउन में हमने खाना देना शुरू किया था कि चलो है ना, लेकिन उस टाइम पे फीलिंग्स इतनी जुड़ गई है कि वो खाना आज तक भी जाता है। सो अभी हम यहाँ से जो है खाना लेकर चले हैं बड़ा गाँव, यहाँ पर पास में ही वहाँ पर एक जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्कीज है, लास्ट वीडियोस में भी हमने बताया, और वहाँ पर अभी जाकर इन सबको फीड करेंगे। तो यहाँ पे देखना मेरी गाड़ी का क्या करा है इन्होंने हाल, ये देखना। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जस्ट, तो ये बड़ा गांव है, यहाँ पर कितने मॉन्कीज होंगे ऑलमोस्ट ही कुछ आइडिया है? 2-3 हज़ार तो आराम से होंगे, बहुत ज़्यादा मॉन्कीज हैं। इनके ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है अंदर, ये 400 किलो में जंगल है। में भी डॉग्स अलग है, डॉग्स जंप किए हुए हैं, मोर है, वो एक रोज नील गाय होती है, वो है, जितने भी डेंजर सांप है यहाँ पर, कोई भी जो सांप रेस्क्यू करते हैं यहाँ पर उनको रिलीज किया जाता है। तो आप देख सकते हो इनको कितनी भूख लगी थी कि इन्होंने थोड़ी सी लेट आए हाँ। तो देखो भूख के मारे सभी के सभी पिछले बंदर में
सारे प्रसादे गुरुद्वारे से आते हैं। लोगों ने जाके गुरुद्वारे में भी शिकायत कर दी थी कि हमें खाना देने में आते इनके प्रसादे बंद की दिए, वहाँ से संगत जो बाबा जी फिर वहाँ बंदे को भेजा वो देख के गए, उसके बाद उनको पक्का लगा कि प्रसाद, क्योंकि हम में इतने प्रसादों का घर नहीं क्या। तो यहाँ पर सिर्फ मंकीज नहीं है, सारे टाइप के एनिमल्स हैं और हम सभी टाइप के एनिमल्स को यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। देखो रोटियाँ डॉग भी खा लेते हैं, जो कीड़े मकोड़े वो भी खा लेते हैं, मंकीज भी खा लेते हैं और कुछ लोग भी फ्रूट्स लेके भी आते हैं, है ना। इसको देखना अब ना ये वीडियो देख के ना कुछ लोग बोलेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स को फीड नहीं करना चाहिए। आज से 2.5 साल पहले मैं जस्ट यहाँ से निकल रही थी, मैं किसी काम के लिए आई थी, जब मैंने देखा ना मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप की तो सारे बंदर गाड़ी के पास आ गए होप में खाने के लिए। तो उस दिन से मैंने यहाँ पर खाना देना शुरू किया था बगैर नागा, 2.5 साल से ये सफ़र चल रहा है। देखो अगर यहाँ पर फल फ्रूट के पेड़ लगे हों, है ना, कुछ ऐसे पेड़ लगे हों इनको नेचुरल खाना मिल जाए, हमें फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी देख लो वहाँ पर, लोगों की टॉयलेट का जो पानी है वो यहाँ आता है वो ये पीते हैं। वो एंटीना खा रहा है। ना पानी की सुविधा है ना खाने की सुविधा है, इसी होप में अभी प्रसाद गुरुद्वारे से आते हैं। लोगों को बोलती हूँ खाली ट्यूसडे इन बच्चों को खाना देने, काफ़ी लोग आते हैं, नॉट इवन ट्यूजडे, आप हर रोज संडे सैटरडे कभी टाइम लगे इन बच्चों के लिए कुछ खाना पिया रख के चले जाया करो, पर डरा मत करो मंकी से, कुछ नहीं कहते आप, देखो आप भी घूम रहे हो कुछ नहीं कहते। अच्छा एक बात है गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अगर इनको यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा ये शहरों की तरफ भागेंगे, जब ये शहरों की तरफ भागेंगे तो लोगों को तंग करेंगे और वो तंग नहीं करेंगे, ये भूखे हैं, इनको खाना चाहिए। खाना किसको नहीं चाहिए, किस इंसान को खाना नहीं चाहिए, कीड़े को भी चाहिए होता आटा, कीड़े के बारे में कोई सोचता है, कोई भी नहीं सोचता, हर एक उसको खाना चाहिए और खाने पे सब कुछ निर्भर है। और अगर ये भूखे होंगे तो तभी ये एग्रेसिव होंगे और ये शहरों में घुसेंगे और लोगों को तंग करेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं ये जो पानी के लिए पीने के लिए इनके लिए जगह बनाई है, ये भी आपने ही बनवाई थी सबने? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया था हमने, बनाई थी, पानी भी भरवाते हैं इसमें लेकिन इनको आदत नहीं है पानी पीने की, क्योंकि इतने सालों से ये गंदा पानी पी रहे हैं। हाँ। तो ये पानी पी के ज्यादा बोल रहते हैं क्योंकि इनको कभी साफ पानी मिला ही नहीं है। देखो जैसे हर बंदे की लाइफ होती है ना, हर बंदा सोचता है कि मैं सुबह से शाम तक जॉब करूँ, काम करूँ, मेरे को अच्छी सैलरी मिले, गाड़ी मिले, अच्छा घर मिले, मेरे पास सब चीज़ें थी और मेरे परिवार के पास इतना था कि मैं अपना आराम से ज़िंदगी काट सकती थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी चीज़ से। लेकिन जब मैं इस चीज़ में आई, मैंने बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू किया और मैं कोई बाय बर्थ एनिमल लवर, डॉग लवर नहीं हूँ, मेरे को कोई डॉग से प्यार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इन बच्चों की ज़िंदगी से वाकिफ़ हुई, मैंने इनकी हालत देखनी शुरू हुई तो मेरे को पता लगा। और आप मानोगे नहीं, मतलब अभी मेरे को इन बच्चों से इतना लगाव है कि मैं अगर कोई इनको कोई डंडा दिखा भी देता है तो मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। तो ये है दी का दूसरा घर, अभी हम दूसरे घर में आए हैं बिकॉज यहाँ पर जो जितने भी ब्लाइंड्स वगैरह डॉग है वो सब कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आप नहीं घर रेंट पे दे दो, 5,000 किराया आ जाएगा, मतलब क्यों आ जाएगा, मतलब ये मैं डॉग्स के लिए ही यूज किया है। आ जाओ, सारे फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली है, ये बताओ आप बताना मुझे खाली ना, अब मुझे डर लग रहा है। नहीं 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 ठीक है ठीक है, कहेंगे ये ना आस पास शहरों में क्या कर रहे हैं लोग, डॉग्स को जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ब्रीड वाले डॉग्स को स्पेशली। ये डैशहाउंड है, ये डैशहाउंड डॉग है, इसकी पुरानी पिक भी आप देखना। हाँ? इसका बहुत इस तरह का एक कान काटा हुआ है ना, खा लिया था इसको, फेंक दिया था कहीं पे। हाँ। अच्छा यहाँ कूलर लगाया हुआ है इनके लिए और इधर स्पेशली कैट्स अलग की हुई है, कैट्स और डॉग्स की शायद बनती भी नहीं होगी आपस में, बनती है इनकी बट फिर भाई ये भाग ना जाए तो ये सारी की सारी रेस्क्यू है, टू देयर रेस्क्यू। ये मैंने दो रेस्क्यू की थी फिर वो उनके बच्चे हो गए। अच्छा तो वो भी सारे रहे इधर ही, पर देखो किसी ने अडॉप्ट नहीं किए, किसी ने अडॉप्ट नहीं किए और मैं इनको छोड़ नहीं सकती थी तो न्यूट्रल करवा के मैंने रखे हुए अभी जरिए। तो अभी आप पीछे भी देख सकते हो बहुत सारा स्टॉक है, ये बच्चों का खाना है, एक बैग हर रोज लगता है। अच्छा हमारा डेली का एक बैग है। वाओ एग्रेसिव है? नहीं नहीं, घबरा तो जाता होगा ये विदाउट, है ना, मतलब इसको देखो ये बच्ची ठीक थी, है ना, इसकी आंखें थी लेकिन एकदम इसकी आंखें निकल गई, थोड़े दिन बड़ी है इसको थोड़ा प्रॉब्लम था। और आप खुद अपने भी लेके देखो कि हम अच्छे खासे चल रहे हैं, एकदम हमारी आंखों की रोशनी चली जाए, अंधेरा आ जाए। बट हुआ क्या इसके साथ दी?
ये मेरे को एक दिन कॉल आया किसी का कि एक डॉग है उसको ना खेतों में फेंका हुआ है असंद के पास की ये इसकी घटना है, इसको इसके सिर पे ना यहाँ पर अभी कट कवर हो गया है, इसको यहाँ पर मार मार के इसकी आंखें बाहर आ गई और मारने के बाद इसको पैलियों में फेंक दिया जहाँ पर दवाइयाँ आपको पता है छिड़की होती है फसलें लगी होती हैं, तो 3 से 4 दिन ही उस दवाई के अंदर पड़ी रही जिसकी वजह से इसके कानों में कीड़े पड़ गए, आंखों में कीड़े पड़ गए और पूरी बॉडी में पस पड़ गई थी। फिर उसके बाद इसका हमने इलाज करवाया, ठीक है, बट ठीक है कि इसको दिखता नहीं है अब, आंखें इसकी निकाल के स्टिचेस लगा दिए हैं, लेकिन फिर वही बात है, फिर जब मैं तो फिर इनको कभी छोड़ती नहीं हूँ, मेरे घर लास्ट सेम ऐसा केस लास्ट ईयर भी आया था, 2 साल से वो मेरे घर पे ही है। पूरे इंडिया के तो नहीं रख सकती लेकिन मेरे को एक टाइम पे रखने हैं, मैं रोज देखती हूँ पैरालाइज डॉग को, कोई हाथ तक नहीं लगाता, और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, इतनी बड़ी जगह मिले, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, बट तक पता क्या थी, अकेला इंसान भी कितना कर ले, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, सोचते एक बार किसी की मदद कर लो, एक बार ना करो तो लोग आपको बहुत गंदा गंदा बोलेगा। ये बेचारा रॉन्ग ब्रीडिंग की वजह से इसका हाल देखो क्या है, इसकी चारों टांगे टेढ़ी है, इसका मुंह टेढ़ा है, चार्ली वो देखो सामने देखो, नहीं कैसे कुछ नहीं कहता, चार्ली वो देखो सामने देखो, रॉन्ग ब्रीडिंग की वजह से इसका ये हाल हुआ है। उसकी वजह से हरदाना इन एनिमल्स को भुगतना पड़ता है, इन बेजुबानों को भुगतना पड़ता है। तो अभी हम आपको एक ब्रीड डॉग दिखाते हैं जो कि ब्रीड ऐसी है जिसको लोग 50-60 हज़ार में भी देखो कि एसी में रहते हैं, सोचो ये बच्चा इंद्री रोड पे पंप के साथ खेतों में वो ना कमाद वहाँ पड़ा हुआ था, हड्डियाँ निकली हुई, आंखें खराब और सेंट बर्नार्ड बर्फ में रहने वाला डॉग है। तो इसका नाम क्या है डॉग का? एक्चुअल में ना मेरा फर्स्ट डॉग जो मेरे घर आया था उसका नाम जैम्बो था, वो सेम यही था, तो उसकी डेथ हो गई थी किडनी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जब मैं डॉग्स को रेस्क्यू करके घर लाती थी ना तो जो बच्चे शुरू से साफ सफाई में रहते हैं ना वो इन्फेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मैं सड़कों से जब बच्चे उठा के लाई तो उस बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, उसको इलाज करवाया, किडनीज में धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम होने लगी, 8 साल का था वो, तो उसके बाद 3 महीने पहले उसकी डेथ हुई थी। तो जब मेरे को ये मिला तो मेरे को उसमें मतलब इसमें वो दिखा, तो मैं इसका नाम भी जैम्बो रखा, तब से इसको ले आई हूँ, अब तो काफी रिकवर कर गया, अब इसकी पुरानी पिक्चर पुरानी फोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतनी बुरी हालत में इनको मिला था, और एक बार बताऊं अगर अभी इसके अडॉप्शन के डालेंगे अडॉप्ट हो जाएगी साथ। अडॉप्शन के जिस दिन मैं इसको लेने गई ना मेरे को सेम डे इतने कॉल्स आए, दीदी हम आ रहे लेने के लिए, मैंने कितना देर सोचा, मैंने कहा जब तक सड़क पे पड़ा था कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे ही किसी के हाथों में आया तो वैल्यू बन गई। जो डॉग है ये ब्लाइंड है चोको, ये इंद्री से आई थी मेरे पास, जब ये आई थी इसकी टांग टूटी हुई थी, मतलब हड्डियां निकली हुई थी, कान में कीड़े पड़े हुए थे, ये ठीक हो गया, ठीक होने के बाद अपना डॉग वापस लेने नहीं आता ना ही कोई अडॉप्ट करता है, बहुत एक्टिव है, सुंदर है। एक बार बताओ, मैं जब इससे अभी मिला ना चोको से, मुझे लगा नहीं कि ये इसको दिखता नहीं है, ये देखो जिस हिसाब से प्यार कर रही है कोई नहीं बता सकता, किसी को मैंने शाबाद हाईवे से उठाया हुआ है, किसी को मैंने दिल्ली से लाया हुआ है, इस सब बच्चे मेरे को बहुत बुरी हालत में मिले थे, अभी ठीक हो गए, कोई इनको अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन ठीक होने के बाद मैं सड़क पे क्यों नहीं छोड़ सकती, ये दिल्ली से आई हुई है, वो ट्राइपॉड है, ये देख लो, ये पैरालाइज्ड है, पीछे से उसकी पिछली टांग पैरालाइज्ड है, इसकी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये 4 दिन का था, ये काले वाला इसकी मम्मी भर गई थी, मैं इनको कहाँ छोड़ूं, अब 4-4 दिन के जिन्होंने देखा ही मुझे है, मैं चाहती हूँ इनको घर मिले, चाहती हूँ कि जब भी बच्चे अडॉप्ट हो ना तो मैं न्यू बच्चे रेस्क्यू करके कर पाऊँ, मैं लोगों को एक सोच बदलना चाहती हूँ, लोग बड़े को डॉग पसंद है मेरे को,
पर ये डॉग लेके ही ऐसे आती है, देख के मना कर ही नहीं सकती मैं। उनकी ऐसी कंडीशन होती है भी देख के मना नहीं कर सकती। देखो मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे को जो भी मैं आज जिस जगह पे हूँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना माँ की है। एक होता ना एक टाइम पे पापा दादी वो फिर भी कान काट जाते हैं, देखो ना कि स्मेल आ रही है, देख कैसे हैं, लेकिन जो माँ है ना, मैं माँ की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो अगर आपकी मम्मी आपके साथ में। तो मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके बच्चे एनिमल्स को प्यार करते हैं, खाना देते हैं, उनको सपोर्ट किया करो, उनको डांटा मत करो। तो एक अच्छी माँ ऐसी हो तो भाई कितने एनिमल्स और ज़्यादा रेस्क्यू हो सकते हैं।